अभी जब मेरठ वाले डीलरशिप पर कहा था मैं तो उन्होंने बोला था 7 फुट का खींच रहा आराम से। 7 फुट का नहीं खींचने का, 6 फुट का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये जा रहा है महिंद्रा, नया ट्रैक्टर है, तो देखते हैं एक बार इस भाई से बात करते हैं कौन सा है ये साइड में लगा के नया लाए हैं निकलवा के। महिंद्रा 575 XP प्लस, तो थोड़ा सा आगे को रोकते हैं भैया को। तो ये है किसान भाइयों, 575 निकलवा कर लाए हैं भाई, अभी XP प्लस मॉडल है, बेस मॉडल है ये भी। बंद कर दे भैया एक मिनट। तो ओनर आप ही हो भैया, आप एक बार इधर को आ जाओ। तो ये यहीं से निकलवाया है ना? हाँ जी, शामली से। तो पावर स्टीयरिंग नहीं लिया आपने? वजह क्या रीजन है? वजह जी उसके लैंडमार्क ज़्यादा जल्दी खराब हो जाती है हमारे। और स्टीयरिंग किस काम में चलाओगे भैया? खेत में, रोड पे चलाना पड़ जाए, हर जगह चलाते हैं। अच्छा, गन्ने में भी लेकर जाते हैं, गन्ना लेके भी। अच्छा, यही वजह है ना, लाइन वाइन की वजह से अपने दिक्कत ज़्यादा आती है, स्कीम है अपने आप कर लेते हैं हम सारे। अच्छा, अपने आप इसकी सब कुछ अपने आप कर लेते हैं सब। अच्छा, एक ट्रैक्टर और भी कहता अभी 1-2 दिन पहले सुना, उन्होंने भी किसान ने जो है वही खरीदा है, लेकिन पावर स्टीयरिंग में जो पहला होते ना, अब तो काफ़ी चेंज है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते वैसे। इससे पहले कौन से ट्रैक्टर हैं जी आपके पास? इससे पहले महिंद्रा है जी। कौन सा है जी? 575 है। पावर स्टीयरिंग जो मॉडल है उसके कितने हैं जी, पूछे हो प्राइस? उसके बारे में पूछा नहीं, जब मैंने वैसे कह रहे 10-20 हज़ार रुपये पड़ गया। अच्छा, इससे मतलब 13 के 14 के टायर है इसमें किसान भाई? 14 के हैं जी, हैं 14 के। अच्छा, बेस मॉडल में बता रहे हैं कि पहले मतलब आवंधे टायर 13 के लेने पड़े थे, तो दे दिए होंगे बी कंपनी ने। तो महिंद्रा के ट्रैक्टर पे इस पे जैसे इतना ट्रस्ट करने का क्या वजह है जी? और भी कंपनी है, क्या खूबी है इस ट्रैक्टर में, आपको क्या लग लगा? मेंटेनेंस अच्छा है जी। अच्छा, इसका एवरेज बढ़िया है, जैसा काम जी वैसे ही वो जी, जैसा इसका ऊपर लोड गिरते हैं वैसे ही एवरेज देता है, जैसा लोड डाले कुल मिलाकर बात है। इसका मेंटेनेंस अच्छा है और ट्रैक्टर के मुकाबले अच्छा है। या सोनालिका है, फार्म ट्रैक है, अदर ज्यादा है ओए लगा। हाँ, आप तो पहले से चला रहे हो। अच्छा, एक बहुत बात और बताओ, मानो चलो एवरेज तो ठीक है, ये बतावे कि फिर बतावे लोग बाग एक कमी निकाल लें कि लोड कम उठावे। लोड कम उठा रहे हैं अगर नहीं, ऐसा लगे आपको भी? वो बात जी गलत कहे लोग। एक बात बता, जब हमारा हम 10 धड़ी उठाने गए तो इसके ऊपर हम अपना सिर्फ 20 धड़ी उठाओगे तो हम भी तो खुद मरेंगे। हाँ बिल्कुल, इसके HP का साथ है तो लोड गिर जाओगा। हाँ, इसका लोड नहीं गिरने लगा, इसके ऊपर 500 क्विंटल गाड़ी थोड़ी है। हाँ, ट्रैक्टर ले रहे बात सही है वैसा बिल्कुल, लेकिन यही बता मैंने ना भाई, लोड ऐसा ऑयल भी तो कम लेता है ना, जैसा लोड थोड़ा कम उठाओगे मान लो ऑयल भी तो कम लेगा। कम। तो रोटावेटर भी चला रहे हैं आप पहले? 7 फुट का खींच रहा आराम से? 7 फुट का नहीं खींचने का, 6 फुट का। अच्छा, ये भी नहीं खींच पा रहा भैया? इसकी ज्यादा नहीं उठ पता, उसको संतुआ था 47 हाउस फोर का पहले। अच्छा, 50 का 3 हाउस फोर का बढ़ाया, अब देखते हैं चलाया क्या होगा। हाँ, 3 नहीं भैया, 2 का है शायद, 47 का है। 47 का। हाँ, 2 HP बढ़ाई। हाँ, ये थोड़ी सी ज्यादा बता रहे हैं डीलर, थोड़ा वो कर दे, 2 HP बढ़ाई है XP प्लस मॉडल में। तो कितने का बढ़ाया जी आपको? ये 6-10 का जी। ऑन रोड? हाँ, 6,10,000 रुपये का। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो ये इन्होंने लिया है भैया 575 XP, 14 के टायरों में, जैसे बता रहे थे ना कि 13 में लेना पड़े भी इस मॉडल लेके, 14 के टायर हैं इसमें भी। अभी जब मेरठ वाले डीलरशिप पर कहा था मैं तो उन्होंने बोला था, साउंड देख ट्रैक्टर का, मेरठ वाले डीलरशिप पर बता रहे थे मैं वहाँ के फोरमैन के 14 के टायर जो आओगे टॉप मॉडल में आओगे, लेकिन 13 में भी है, 6,10,000 रुपये का ऑन रोड पड़ा है। ठीक है भैया, महिंद्रा 575 6 साल की वारंटी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। ठीक है भाई साहब।